7 News, हर जगह हर वक्त। वेलकम बैक इन 7 स्पेशल। ब्रेक पर जाने से पहले बात ये कर रहे थे कि ऑपोजिशन की जमातें अब कुछ शरायत पर एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं या शायद ना भी चले, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जिन पर करप्शन के केसेस हैं उनके साथ हम नहीं चलेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि यू टर्न वाली जमातों के साथ हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इस टॉपिक पर बाद में आएंगे, अभी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मियाँ आमिर साहब ने, PNP से इनका ताल्लुक है। मियाँ आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ आमिर साहब, आज आपने देखा कि इमरान खान जावेद हाशमी पर इल्जामात लगा रहे हैं, जावेद हाशमी उनके इल्जामात के जवाब दे रहे हैं। इमरान खान ने एक सीनियर सियासतदान के बारे में ये कहा है कि उनका दिमागी तवासुन ठीक नहीं है, उनके उम्र का ये हिस्सा आ चुका है कि अब उन्हें पता नहीं चलता वो क्या बात कर देते हैं। आपके करीबी दोस्त हैं जावेद हाशमी साहब, क्या वाकई उनके दिमाग के ऊपर उनकी उम्र का इतना असर हो चुका है कि जो बातें करें उन बातों का कोई पता नहीं कि वो किसके बारे में क्या बात करें? मैं समझता हूँ जी, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर का ये कर्ज है, जो वो जावेद हाशमी साहब जो बात करते हैं वो परफेक्टली करते हैं। एज कौन सी उनकी ऐसी हो गई है कि इमरान खान जो हैं वो 24 साल के हैं और वो 80 साल के हैं, एज फैक्टर तो नहीं है। वो मंजे हुए सियासतदान हैं और समझते हैं। मैं समझता हूँ जितनी वफाएँ उन्होंने इस मुल्क के साथ, इन पार्टियों के साथ की हैं, उनका उनको नेमल बदल मिला नहीं। और ये ऐसी बातें तो फिर ऐसी अहमकाना बातें हैं, किसी के खिलाफ ऐसे इल्जामात की लगाए जाएं, और ये सारी बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं। मियां आमिर साहब, बड़ा नाजुक मरहला था वो जब जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए। हम ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा तौर पर राजदार रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइमिंग पर जब दूसरी जमातें उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तनहा सोलो फ्लाइट पर वो नजर आते हैं, जावेद हाशमी के साथ इस किस्म की चपकलिश रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखें, बात ऐसे है कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि जावेद हाशमी साहब, मैं पहले तो ये बात है कि जावेद हाशमी साहब को पहले अपनी वफा जो है ना वो छोड़नी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ज्यादतियाँ की, मुस्लिम लीग वालों ने इनसे ज्यादतियाँ की, जितनी उसकी वफा उसका नेमल बदल उसे नहीं मिला, लेकिन इनको ये टर्न लेना नहीं चाहिए था। अब जब लिया है, अब ये कैसे किस मुंह से कहते हैं, इनके पास कौन कौन से लोग हैं, जो भी इनके पास लोग अभी बैठे हुए हैं PTI में, वो क्या कर रहे हैं सारे, और कहाँ से आए हुए हैं? कोई पीपल्स पार्टी से आ गया है, कोई मुस्लिम लीग नून से आ गया, सब जमातों के लोग हैं ना। कोई ऐसा आदमी तो इन्होंने लिया नहीं अभी तक कि जो बिल्कुल इनोसेंट हो, जो बिल्कुल मतलब सारे मामला जो हैं वो सारे उसी तरह ही चल रहे हैं। ठीक, रुमेश कुमार साहब, माजी करीब में कोई ऐसे चांसेस हैं या इस तरह के मौके आप देख रहे हैं कि जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाए फिर से? देखिए, जावेद हाशमी साहब एक अच्छे एक रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, और उनकी गैसियत अच्छे सियासतदानों में आती है। मैं समझता हूँ वो जिस भी पोलिटिकल पार्टी के अंदर रहेंगे, चाहे PMLN में रहें, चाहे PTI में रहें, चाहे पीपुल्स पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, उसको वो इज्जत और मकाम जरूर मिलना चाहिए, मिलेगा। मैं आऊंगा आपकी बात के ऊपर जो आपने बात की वक्त से जाने से पहले। मैं समझता हूं कि देखिये, मैं हर पॉलिटिकल लीडर का कदर करता हूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के कॉल और फैन में फर्क नहीं होना चाहिए। तभी बड़े कहकर गए, जो एक एक लफ्ज आप बोलो वो कम से कम सोच समझ के बोलो कि कम से कम वो कल दोबारा आपके मुंह में वो आपके लिए रुकावट नहीं बने। यही 2013 और 2014 का दौर था, या 2016 में शाह महमूद कुरैशी की जो रैलियां थी, कहीं पे भी PMLN के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते थे, हमेशा पीपुल्स पार्टी के ऊपर लगाते थे कि करप्शन के सरदार थी वो। मतलब जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो तो मैं अपनी जबान से तो नहीं कहना चाहूंगा, मगर आज जब उसने कहा कि मैं इनसे मिलने के लिए तैयार हूं, तो जब क्रिटिसिज्म आया लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उनको अपना आईना दिखाया गया कि आपने ये लफ्ज बोले थे, तो फिर कहने लगा कि मैं पनामा इशू के ऊपर पीपुल्स पार्टी से मिल सकता हूं। बात सिंपल में ये है कि एक ही मियां साहब की फोबिया उनको है, उनको ये पता है कि 2018 की इलेक्शन, अगर 2018 मियां साहब जो आज 2017 के जो टारगेट उसने बताए हैं कि इतना मैं इलेक्ट्रिसिटी का इंप्रूव करता हूं, इतना मैं सारे जो भी उनने एक प्रोग्राम दिया है वो सारे आप लोगों को पता है, अगर वो फुलफिल कमिटमेंट हो जाती है तो फिर हमारे लिए 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा, और ये इमरान खान खुद कहता है। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेके उसमें, मैं समझता हूँ मैच्योर पॉलिटिक्स ये है कि उनको कहती कि एक सूबा मिला हुआ है,
पुलिस वहां पे अच्छे तरीके से, एक आईजी अच्छा लगा हुआ है, इसी तरीके से और भी जो इदारे हैं वहां पे अपने सूबे के अंदर तब्जद है, कोई सूबे के अंदर एजुकेशन का निजाम नहीं है, कोई हॉस्पिटल का निजाम नहीं है, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम नहीं है, बहुत ज्यादा केपीके के अंदर गवर्नमेंट के काम करने की, क्योंकि जो 10 साल गवर्नमेंट रही है उनकी बातें बहुत की है मगर वो टू मार कम नहीं, काम नहीं कर सके है, तो वो अपनी केपीके के अंदर तवज्जो दे, और आसिफ साहब अगर आए हैं तो वो अपनी सिंध के अंदर दे, तो सिंध के अंदर भी ये जो उनकी नाकामिया थी फेडरल गवर्नमेंट जिसकी वजह से तीनों दे, तो वो परफॉर्मेंस दिखाए 2018 के इलेक्शन में कि हमारी अगर फेडरल गवर्नमेंट पीएमए लाइन को मिली, पीएमए लाइन ने ये अचीव किया, मगर ये मेरे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, मैंने ये अचीव किया है। लोग आजकल मीडिया आजाद है, आज पाकिस्तान की किसी भी कोने में जो परफॉर्मेंस होती है वो पाकिस्तान पूरे में देखी जाती है। आपको जरा क्लियर करना, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तवज्जो दें, बाकी बात पनामा की। ठीक है रमेश कुमार साहब, आपने जितनी भी बातें की हैं, आपने जितनी भी बातें की हैं, इन तमाम बातों पर मियां आमिर साहब अपना मौकफ देना चाहते हैं। नहीं, मैं देखिए जी, मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं तो समझता हूं, मैं समझता हूं कि अब ये जो सिलसिला चल रहा है, ये निज़ाम एक बड़ी वफाओं का निज़ाम है जिसने इतनी अपनी कुर्बानियाँ दी। बताएं मुझे अभी किस कैबिनेट में, मियाँ साहब की कैबिनेट में इतनी कुर्बानियाँ देने वाला कौन है? हम बैठे हुए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, किस बंदे ने कुर्बानियां दी है? जलावतनी के दौर में जो हमने मियां बरादरान के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। ये जो चार ख्वाजे और चार रानों को लेकर ये गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, इनकी वफाएं नहीं है इनके साथ। कब्रिस्तान को तदफीन मियां शरीफ की हम कर रहे थे तो लोग पहुंचे हुए थे, दाता साहब जी, हमें दरबार पर बताया गया कि हम दाता साहब में तदफीन करनी। इतने नहल और नाकुसल अकल ये लोग थे, ये जो ख्वाजे थे और राने थे, इनको बताया गया था दाता साहब ये डर के मारे वहां जाती उमरा नहीं पहुंचे, हमने तदफीन की मियां शरीफ की। वो मियां साहब को ये वफाएं याद करनी चाहिए। आज जो सिला इनको मिल रहा है, मियां नवाज शरीफ को उनके बाप की बदौलत मिल रहा है, मियां शहबाज शरीफ को जो सिला मिल रहा है इनकी इक्तदार का, ये उसके बाप की बदौलत मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ये उनके बाप के चाहने वाले लोगों में से हम हैं। हमने जो किया, मियां शरीफ जो ऐसा वली सिफ्त इंसान थे, अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत में जगह दे, हमारी बाकायदा हाजिरियाँ हैं वहाँ पर। इसी तरह हाशमी साहब के भी ये सारी वफाएं हैं। हाशमी साहब जितनी वफा कोई ला कर दिखाए इसके मुस्लिम लीग में कौन बैठा हुआ है? हमने वफाएं की हैं 1984 से लेकर अब तक इनसे साथ हम चलते रहे हैं। किसने कुर्बानियां दी? हम पाकिस्तान बचाओ तारीख में मैं कराची गया इनके साथ, चौधरी अख्तर रसूल इसका गवाह है, मेरी वहां गिरफ्तारी हो गई, 13 दिन में जेल में रहा, तेरह दिन में जेल में रहा। जेल के बाद निकलने के बाद मैंने अपनी गाड़ियां तोड़वाई, अपने असर जलवाए। आप अपनी तारीफें भली बताएं, मैं सिंपल में जो जनरल इशू है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं हाशमी साहब की बात कर रहा हूँ जी, अपनी तारीफ नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों की वफाएं हैं उनको देखो, उन पर भी गौर करो जिन लोगों ने आपके साथ वफाएं की हैं। मैं कम बोलने वाला बंदा हूँ, बात सिंपल में ये है कि जावेद हाशमी साहब जब आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, एक नेक इंसान थे, तो मैं उनको देखने गया था आगा खान में। कौन किसको? जब एक नेक इंसान थे तब देखने गया ना। बात सिंपल में ये है कि जो सर, नेक इंसान थे, मतलब थे का मतलब क्या, अभी है नहीं क्या वो नेक इंसान? नहीं है, मतलब एक नेक इंसान उस वक्त जब मैं गया उनको देखने के लिए, एक है, एक अच्छे किरदार के मालिक है, सच्चे इंसान है, उसमें कोई शक नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये, आज इतने लोग सारे बोलते हैं मगर हर आदमी का अपना कैरेक्टर होता है, हर आदमी का अपना अखलाक होता है, मगर जब लीडर बात करता है ना तो लीडर को हर एक लफ्ज सोच समझ के बात। आज अगर मैं कोई बात अच्छी करता हूँ बुरी करता हूँ उसका इफेक्ट जरूर आता है, मगर लीडर खुद अगर मुंह से अगर ऐसी बात करे, ओ मियां साहब ये जो इखलाक है ना, इन सारी चीजों को आदमी को देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कम से कम जो भी आपने शरीफ साहब, रमेश कुमार साहब, इखलाकियात का ख्याल किसकी जानिब से किया जाता है? वजीर आजम अगर बजाते खुद जवाब नहीं देते तो हम देखते हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब आकर जवाब दे देते हैं, दानियाल अजीज साहब आकर जवाब दे देते हैं, उनकी जानिब से बड़ी तलख जबान इस्तेमाल की जाती है। वालिद की जो तरबियत होती है, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वालिद की तरबियत बहुत सिखाती है आदमी को। अगर तलाल और दानियाल अगर देते हैं, वो भी यहाँ पे पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगर किसी का लहजा सही नहीं है वो उसका अपना अखलाक है, मगर करें कि हमारी कुर्बानियां बहुत ज्यादा है, हम अपनी तारीफ नहीं करते ना, अपने मुंह से कोई बात बताते हैं, हम तो कहते हैं कि आ जाए आके देख ले, हमने कुर्बानियां दी, हमारे अंदर कर्ज इसलिए ज्यादा है कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं 30 सालों से, हम इसलिए अपना कर्ज बता रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं,
हाशमी साहब के साथ जाती, हाशमी साहब से मेरा जाति कोई तलक नहीं है, दोस्त हैं, अच्छे सियासतदान हैं, उनको समझते हैं, उनकी कुर्बानियां मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के लिए उन्होंने। अच्छा, रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम काफ की बात कर ली जाए तो वो कहती है कि 2013 का इलेक्शन इदारों का इलेक्शन था, वजीर आजम ने जो खीर खाई थी 2013 के इलेक्शन में, अब वो उनको खुद हजम नहीं हो रही। काफ लीग का ऐसा कहना इस तरफ आकर एक तरफ से पाकिस्तान की जानी जा रही उनकी बहुत आगे नजर आती है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानी नजर आती है, खासकर 2013 के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की है कि ये इलेक्शन इदारों का इलेक्शन था, इसका क्या मतलब? काफ लीग खुद इदारों की बुनियाद है और खुद इदारों के बुनियाद के ऊपर आई थी, इस वजह से वो हमेशा इदारों का नाम लेती है। मैं समझता हूँ जो ऐसी जो सियासत की जाती है ना, इसमें डेमोक्रेसी को बदनाम किया जाता है। कम से कम अभी वो जो सिस्टम है उस डेमोक्रेसी की खातिर ऐसी बातें नहीं उनको करनी चाहिए। अब वो इदारों की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुकी है। अब आप देखें कि बहुत मर्तबा एम्पायर की उंगली की बात की गई, ये भी की गई, मैं समझता हूँ साजिशें जरूर होंगी, मगर अब साजिशें, कोई भी साजिश यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इस मुल्क की हिफाजत है और मुल्क की जमानत है, और मुल्क तरक्की करेगा तो इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही तरक्की करेगा। मगर डेमोक्रेसी के अंदर कुछ अनडेमोक्रेटिक लोग जो चोर दरवाजे से आना चाहते हैं, वो आके मैच्योर लीडरशिप के साथ, वो आके इस तरीके से जो कानून को हाथ में लेते हैं, कभी लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी जो है वो एक की फॉरेन मिनिस्ट्री होती है भाई, फेडरल गवर्नमेंट जिसकी है, तो वहां पे आके कहते हैं आपके ये मसले सही नहीं है। रमेश कुमार साहब हमारे साथ ही मौजूद रही है। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, यह कहना गलत ना होगा, बड़ी स्मार्ट मूव्स इस्तेमाल की हैं 2017 में, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे ही मूव्स के साथ आगे बढ़ेगी और इसी हिकमत अमली को अपनाए रखेगी, इसका जवाब आपसे चाहिए होगा। आसिम, आप फरमाइएगा कि अब काफ लीग के जो बयान सामने आ रहे हैं, अपोजिशन के इत्तेहाद बनने या ना बनने में काफ लीग किस तरह से किरदार अदा कर सकती है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक सवाल दोबारा उठाऊंगा यहाँ पे तमाम मेहमान शुरका से, डॉक्टर साहब अगर मेरे साथ हैं तो वो भी जवाब दें, मियाँ साहब जो बैठे हुए हैं इस वक्त जावेद हाशमी साहब को मतलब डिफेंड करें, या जो भी सियासी रहनुमा हमारे साथ आएंगे, कौन सी ऐसी जमात है जिस पे इल्जाम नहीं है कि वो अपने की नर्सरियों में पनपते रहे हैं या उसमें उगे हैं, या उनका जो पीछे से अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो कौन सी ऐसी जमात? मैं क्योंकि कम से कम अपने तजर्बे और तज़िये के लिहाज से जितनी हिस्ट्री की मुझे नॉलेज है, मुझे कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती कि जिसके ऊपर ये स्टैंप नहीं है या जिससे आमिरियत के आशीर्वाद हासिल नहीं रही किसी ना किसी आमिर की। दूसरी बात, काफ लीग ने जो बात की है, मैं प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस कर चुका हुआ हूँ कि जब मुशरफ साहब का दौर था और इनकी हुकूमत थी, तो यहाँ पे थानेदार, SHO, जज और अदालतों के और कस्टम के और तमाम लोग जो के टैक्सेशन के लोग थे, वो ऐसे लगाए गए थे अपने हलीफों के खिलाफ के जो उनके खिलाफ मुकदमे बना रहे थे और उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे थे और कंप्लीटली रिग्ड इलेक्शन नजर आ रहे थे। अच्छा। और वो वन साइडेड चीजें होती थी। तो फिर तो मेरे ख्याल से कि कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में साफ और शफाफ नजर नहीं आएगा अगर हम डेप्थ में जाकर देखेंगे। कोई ऐसा एक इलेक्शन, कोई मुझे मिसाल दे दी जाए कि जिसमें कहा जाए कि जी ये इलेक्शन जो था वो साफ शफाफ था। 79 से ऑनवर्ड अगर आप आ जाएं तो कोई एक मिसाल कोई काइंडली मुझे बता दें। दूसरी बात अगर ये आती है कि जो मफाद की सियासत है, मैं हाशमी साहब वाली बात के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे एक शेर बल्कि कता मैं पूरा पढ़ना चाहूंगा कि पत्थर ही लगेंगे तुझे हर सिम से आकर, ये झूठ की दुनिया है यहाँ सच ना कहा कर, अब रोता है क्या तुझसे कई बार कहा था, हालात के धारे के मुखालिफ ना बहा कर। भाई मेरे कि यहाँ पे शख्सी और ख़ानदानी सियासत की जमातें हैं, यहाँ पे किसी को सफ़र इकबाल जफर थकड़ा साहब के साथ क्या हुआ, चले अब उनको इस उम्र में आके गवर्नरशिप तो मिली, लेकिन इससे पहले हाशमी साहब जिस हालत में पहुंचे और दीगर जमातों में भी अगर हम देखें। अच्छा जो आसिम, अगर जनरल इलेक्शंस की बात की जाए तो उन पर तो रिगिंग का इल्जाम लग जाता है, ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन जो हुए हैं, वहां पर जो नतज आए हैं उस पर तो खुद अपोजिशन जमातें भी ये इल्जाम नहीं लगा पा रही हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड से या फिर इन इलेक्शन में इस किस्म के कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुए। इसमें भी हमने देखा कि नून लीग ही ज़िमनी इलेक्शनों में बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब नजर आएंगे। देखिए, मैंने अभी अपने जो इब्तदाई में जब पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा था कि बहुत सारे इख्तलाफात हमारे एज ए तजिया निगार होंगे इस हुकूमत से या जमहूरियत के इस ढांचे से जो कि जमहूरियत के नाम पे चल रहा है, लेकिन नून लीग ने इस वक्त बड़ा स्मार्ट मूव किया है इस कम अज़ कम पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो कुछ वो ऑन ग्राउंड लेकर आ रहे हैं उससे ना सिर्फ बाकी जमातें डैमेज हो रही हैं बल्कि अगर हम देखा जाए तो इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी काफ़ी नुकसान होगा। मैं इवन KPK के हवाले से बताता चलूँ कि KPK में बेशक पुलिस असलाहत या
एजुकेशन या हेल्थ के हवाले से वो काम करें, लेकिन हमारा सियासी निज़ाम और कल्चर डिफरेंट है। लोग कुछ और चाहते हैं, वो थाना कचहरी की सियासत मांगते हैं, वो गलियां मोहल्ले और सड़कें बनवाना चाहते हैं, और यही एक निज़ाम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम सिंध की तरफ देखें तो इस वक्त उनकी एक जमात का फोकस नज़र आता है, उसके अंदर इंतशार नज़र आता है, फिर दूसरी जमात कुछ और क्लेम करती है। कौमी असम्बली के अंदर जाए तो अपोजिशन मुत्तहिद ही नहीं नजर आती। इसका बराह रास्त फायदा जो है वो हुकूमत को हो रहा है, यानी कि नून लीग को इसका फायदा ये हो रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान रिफ्ट मौजूद हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हो सकते या एक आवाज होकर बात नहीं कर सकते, तो इसमें कसूर जिसका भी हो, लेकिन बराह रास्त नून लीग इस वक्त गेन कर रही है। जरदारी साहब अगर आना चाह रहे हैं तो उनको ये अपनी जमात भी श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लगता कि नीयतों में खोट पाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोनों जमातें चाहते हुए भी साथ नहीं चल पा रही है, क्योंकि 2018 का इलेक्शन बहुत करीब है। अगर दोनों जमातें एक दूसरे को साथ देती हैं तो फायदा किसी एक जमात को पहुंचेगा, सपोर्ट किसी एक जमात की ज्यादा बढ़ेगी, तो अलग अलग रहने का वजह यह भी एक सामने आ सकती है कि 2018 के इलेक्शन में अब जमातें दोनों अलग अलग रहकर अपना लोहा मनवाना चाहती हैं। जी, मैं आपको एक बड़ा एक शराफाक जुमला कहूंगा किसी सियासी जमात या एक ऐसी जमात का जिनको धरने के हवाले से बड़े मशहूर जाना जाता है। अभी लास्ट जो कुछ धरना टाइप की चीज होना चाह रही थी, धरना प्लस वगैरह, तो उसमें उनका जुमला ये था कि बराती मेरे होंगे तो दूल्हा किसी और को बना दिया जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो ये हर सियासी जमात का इस वक्त यही मकसद नजर आ रहा है जो अपोजिशन में है कि सारी मेहनत वो करे और क्रेडिट किसी और को चला जाए। तो ये इस वक्त एक अपने अपने एग्जिस्टेंस की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि नून लीग इस वक्त दो तिहाई अक्सरियत में आपको कौमी असम्बली में भी नजर आ रही है, पंजाब के अंदर भी अगर आप देखें, बलोचिस्तान के अंदर भी देखें। शामिल कर लेते हैं, दोनों जमातें कहती तो बार बार ये है कि हम अलायंस बनाएंगे, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, जमातों का इत्तेहाद होगा, लेकिन इत्तेहाद वो करती भी नहीं। ये बातें शायद वो आवाम को घुमाने के लिए या आवाम के जहनों को इस जानिब राग़िब करने के लिए करती हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इनकी तनकीद एक हो सकती है, आवाज़ एक हो सकती है, लेकिन इनके तनाज़ात कभी ख़त्म नहीं होते। एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर ये कभी आते नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों को अपने अपने मफादात का भी ख्याल रखना है। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मियां आमिर साहब भी इन बातों का जवाब लेंगे। सेवन न्यूज़, हर जगह हर वक्त।